गाइस ऐसा है, सुबह उठ गए हैं सो के और अब नीचे उतर रहे हैं। देखो मम्मी पापा, ये कोने वाला रूम है जो भाई ने मार्ली कराया था, उसमें मार दी मैंने ताला। और अब हमारा अब है नीचे, तो चलो आराम से उतरना, गिरना मत। हेलो, आराम। तो अभी बस थोड़ी सी सर में दर्द हो रहा है, अब नींद पूरी हुई है, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मौसम भी यहाँ पे इतना बढ़िया हो रहा है ना, शानदार हो रहा है, फुल चिल्ड हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। चलो उतरो, क्या हो गया? कौन सा कुछ नहीं कहेगा, पापा क्या कह रहे हैं हमारे को? चल तो सही मम्मी, फिर ये गोरी बाबा है। कोई नहीं, यहीं खड़े होकर इतने कन्वर्सेशन कर लेते हैं। आधी वीजो की टी शर्ट है, इतनी कोई ठंड नहीं है, नॉर्मल मौसम है। और अभी बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम टूथब्रश तो लाए थे, टूथपेस्ट और साबुन इसलिए नहीं लाए थे क्योंकि हमें था कि हम सीधा भाई के उसमें जाएंगे कैफे में, तो वहाँ सब कुछ होता है, इसलिए हम नहीं लाए। मैं चलता हूँ तुम्हारे आगे, मैं चलता हूँ, आ जाओ, मैं देखूँ उसको। मम्मी वो आ रहे, वो चले गए बाबा जी, कह रहे पता नहीं सर में कुछ डाल देंगे। मेरी मम्मी का तो यही रहता है। तो अभी मैं सो के उठा हूँ, 2-3 घंटे सो लिए, सुबह 8-8:30 बजे तक चाय वाय पी लिए थे और थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो चलो टूथपेस्ट और साबुन वगैरह ले आते हैं, जल्दी आ जाओ आराम से। तो अब फिर भाई बोल गया था कि कुछ खाना पीना हो तो इनको ऑर्डर दे देना, कुछ भी खाना। फिर मैंने यार इनको कहाँ डिस्टर्ब करना, जिनको जिनका ये है होटल वगैरह, ये पता नहीं क्या बनाएंगे कब बनाएंगे। मतलब बाहर चलते हैं, टूथपेस्ट और वो सोप ले आते हैं और बाहर देखते हैं, कुछ खाने का हुआ तो बाहर ही खाए हैं। दैट्स इट, क्या किसी को परेशान करना। ये आगे मार्केट, इधर से आए थे ना, इधर से आए थे, अच्छा आया इधर से आए थे। फिर मैं जाना, आराम से आना। गौ माता के पैर में लगी हुई है, देख चोट लगी हुई है गौ माता की, एक पैर से चल रही है गौ माता। मार्केट के ऊपर देखो पहाड़, क्या सीन है। शगुन करके इसमें देख ले कुछ, मम्मी मम्मी इधर आओ, इसमें देख ले कुछ, इसमें खा ले। चाइनीज खाना है, दाल दाल रोटी कुछ मिल जाए तो दाल। ये चालू कर रहा है अभी, बर्गर में छोले लगा के देगा, आलू टिक्की कुलचे। भैया कितना टाइम लगेगा? रेडी है, रेडी है, खाना ट्राई करना है। ये दाल रोटी खानी घर पे, वो पता नहीं कब बनाएगी। मेरे साथ आ गए कसोल घूमने, आ गए लोटा लोटी आते घूमने, लड़के लड़के हैं मेरे बड्डे बाबा। मैं सब्जी बना रही थी आंटी। क्या बना रही थी पूछूं? पता नहीं क्या, पाल को बोलता हूं, पाल बताएगा, पूछेगा क्या करना है बताएगा। मेरा ऑर्डर कर देता, मेरे को फोन कर रहा है। मार्केट तो सही है बट खाने का सिस्टम नहीं है। ये है मगर इसके बाद वो ये बर्गर राइस मोमोज ब्रेड सैंडविच ही है, प्रॉपर खाना नहीं है। हाँ मम्मी है, इस दुकान के अंदर मिलेगा सामान, तोड़ के देखो। ये सामान ले लिया हमने, केक ले लिया, बिस्किट ले लिया, ऑयल ले लिया, टूथपेस्ट फट जाते हैं फिर बंद कर दिए। अंकल जी ये दे दो सामान, हमारा सामान खुद ही तोड़ेंगे फिर टूटा हुआ नहीं लेंगे, खुद ही फाड़ेंगे फिर टूटा हुआ नहीं लेंगे। अंकल ये सामान कर दो हमारा। ये देखो गाइस व्यू, सही बह रहा है पानी, सही बह रहा है ना। चलो सामने बता रहा पार्लू हमें, सामने वो ढाबा है नमस्ते ढाबा, चलो उसे देखते हैं, पता करते हैं। तेरा नमस्ते ढाबा ये बता रहा पार्लू, बंद पड़ा है क्या शायद, ये देखते हैं अभी। चलो बंद पड़ा है तो बिल्कुल बंद पड़ा है, उसी से ले लेते हैं, उसमें है दाल आगे जो पता करा था। पीली दाल भी है, बर्तन तो वो दे देंगे अभी जल्दी चलेंगे तो, बोल दूंगा आंटी बर्तन तो दे दो हमारे को, बर्तन तो दे देंगी। अभी चाय पीनी होगी तो पूछ लेंगे, दूध दे दो और बाकी सामान। चाय वह हम खुद ही बना लेंगे उनकी किचन में, हैं चाय वह उनकी किचन में हम खुद ही बना लेंगे, बाकी उससे पैक करा लेते दाल रोटी घर अपने रूम पर चल के खा लेंगे। ठीक है, लंगले मसाज मसाज करा लो, देखो बोरा सामने देखो, पूरे लोग पूरे लोग वहाँ पे देखो, पूरे पानी का साउंड हो। ये वाला है हिमालय ढाबा, यहाँ ऊपर जाके, ऊपर जाके ऑर्डर दे के आना पड़ेगा। ये है रेस्टोरेंट, यहाँ पे देंगे ऑर्डर, यहाँ पे देखो आराम सीटिंग है, ऊपर बैठ जाओ आराम से, इतना खाना पैक होएगा, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, सीटिंग है देखो। और किचन में ये देखो, ये किचन है, इसमें ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे आराम से हम बैठ जाएंगे, खा लेंगे और सीधा अपना जाएंगे रूम पे, वहीं खाएंगे।
ये हो गया हमारा लंच। दाल लिया है, रोटी लिया है, वाइट रोटी बिल्कुल। ये अचार है मीठा आम का, चावल जो थे घर से लाए थे, ये पनीर की सब्जी। सही है खाना, खाना खा के मैं तो सोऊंगा, थोड़ी आराम करूंगा, मुझे तो सर में दर्द हो रहा है। गाइस शाम का टाइम हो चुका है 7 बजे का, और आप वेदर देख सकते हो पीछे मेरे, सीन देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, पूरा चारों तरफ जहाँ भी देखोगे कितना ब्यूटीफुल है। बड़ी सी छत बनी हुई है, यहाँ हम बैठे हैं, शाम का टाइम हो रहा है, मम्मी पापा अभी नीचे गए हैं, नीचे से आ रहे हैं, और अभी शाम को दिन में सर में ना जो बस में बैठे थे ना, तो उसके सर घूम रहा है ऐसा, सर में दर्द सा ही हो रहा था, तो खाना वाना खा के ना तो मैं सो गया था। अब मेरा थोड़ा नॉर्मल हुआ है, खाना वाना खा के अब थोड़ा नॉर्मल हुआ है। और अभी का सीन ये है कि भाई कहीं यहीं पर ही कसोल में थोड़ा सा उसका कोई दोस्त ने रेस्टोरेंट खोला है, तो वो वहीं पर ही है। कल वो इनॉग्रेशन थी, कल भाई आ गए थे, तो वो वहीं पर ही है, और आज भी वो कह रहे हैं कि स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे जहाँ पे मेरे भाई का ऊपर कैफ़े है, मेरे भाई का भी इससे ऊपर एक कैफ़े है पुलगा में, तो वहाँ चलेंगे, वहाँ पे हम रहेंगे जो भी रहेंगे, और आगे की जर्नी वहाँ की होगी। बट आज यहाँ पे इनका कोई फ्रेंड है, ये उनका घर है, कोई होटल नहीं है, ये उनका घर है, तो ये उनके घर पर उन्होंने मेरे को हमें स्टे कराया है। और बाहर मैं आपको दिखा नहीं सकता, पीछे आवाज़ आ रही होगी पानी की, बहुत तेज़ नदी बह रही है, पानी की आवाज़ आ रही होगी, जो कि वो है कौन सी वाली है, मणिकरण वाली, जो मणिकरण की जो गंगा पानी बहती है, पानी बहता है वाला, वो पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ तक, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। लोग अपने अपने देखो, मैं कुछ देखो वो घर है, लोग वहाँ भी टेरिस पे बैठे हैं, यहाँ नीचे भी हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, देखो दूर से आपको दिख रहे हो वहाँ टेरिस पे बैठे हैं, ऊपर भी घर है। ये माता जी आ गई हमारी, 3-4 बारी बोला है आ जाओ, अब आइए, पानी की बोतल लेके फिर आए हैं, ये आ गए पिताजी हमारे। तो यही है, अभी थोड़ा सा मैं इनको लेके आऊँगा छत पे बैठ के, थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हैं, और उसके बाद अभी खाना वाना बोल दिया है जो दीदी है जिनका घर है, खाना वाना खाएंगे उसके बाद फिर अपना। हाँ कौन है, किससे बात कर रहे हो? है कोई YouTube फैमिली है, कह रहे किससे बात कर रहे? कह रहे ठंड लग रही है ऊपर, तो मौसम चेंज हो गया, अब ये तो छत पे बैठे हैं, तो इसलिए मैं लिया, वहाँ पे भाई के पता नहीं कैसा ठंड हो रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा सामने ना, सामने जो व्यू है ना, तो सामने जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, उसमें सूरज निकल रहा था। तो बस अभी खाने वाने का ऑर्डर दे दिया, दीदी ने बोला भाई कुछ मिक्स वेज ही बनाएंगे, वही खाएंगे अपना, भाई कह रहा है कुछ ले आएंगे सांभर डोसा वगैरह वो खा लेंगे, और फिर रात को रेस्ट करके सुबह निकलेंगे, और सुबह से फिर अपना फिर कल पुलगा जाएंगे ना, पुलगा गाँव में जो भी होगा दिखाएंगे आपको। बाकी बाबू जी आ गए हमारे, पापा पॉपकॉर्न खा लो, पॉपकॉर्न लगे, पॉपकॉर्न खा रहे। ये आ गया हमारा खाना, क्या है, मिक्स वेज है ना, मिक्स वेज है, अचार है, ये राइस है। मम्मी खा रहे हम तो बैठ गए, माता जी हम पालू का वेट कर रहे हैं, पालू ने बोला आ रहे हैं, आधा पौन घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया, हमारे को तो भूख लगी थी, हमने खाना लगवा लिया, वो ऑर्डर दे दिया था, और अगर खाना वाना खा रहे खाएँगे, नींद से आ रही सोमवार। पापा को तो क्या ले, इसमें कल सामान लाए थे वो कट्टा बिछा लिया इसमें, अब यहाँ तक का ये ब्लॉग पूरा दिन क्या रहा कैसे रहा, अब यहाँ का ब्लॉग यहीं तक ही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय।